आप देख रहे हैं हमारा खास शो डेंजर जोन, जहां हम बात करते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स की जिनसे आपको दूर रहना है, जहां आपका निवेश खतरे भरा हो सकता है। कुछ चुनिंदा शेयर हम आपको बताते हैं जहां पर आज नेगेटिव न्यूज फ्लो है, उस नेगेटिव न्यूज फ्लो का एक रिएक्शन देखा जा रहा है, क्या करना चाहिए आपको उन शेयरों में। ब्रोकरेज हाउसेस कहां बिकवाली की राय दे रहे हैं ताकि आप अलर्ट रहें अगर वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में शामिल है, और साथ ही बताते हैं पेनी स्टॉक जहां पर हाल ही में एक तेजी जरूर आई है लेकिन उस तेजी के पीछे जो स्टोरी है, जो फंडामेंटल से वो बिल्कुल ब्लीक हैं। आगा करने के लिए आपको हम ये खास सेगमेंट लेकर आते हैं, और साथ ही आज हम बात करेंगे गिरवी शेयर्स की, यानी ऐसी कंपनियां जिनकी मैक्सिमम प्रमोटर होल्डिंग प्लेज्ड है, बैंकों का पैसा फंसा हुआ है और निवेशकों को सिर्फ मिला है नुकसान। बातचीत करेंगे इन सभी मुद्दों पर इस शो के दौरान, लेकिन शुरुआत करेंगे हर रोज की तरह साक्षी से और जान लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर आज नेगेटिव न्यूज फ्लो की वजह से वीकनेस देखी जा रही है। बताइए साक्षी, कौन से स्टॉक्स हैं आपके पास? शुक्रिया दीपाली, शुरुआत में करूंगी दो शेयर्स के साथ। आज ज्यादातर हालांकि रिएक्शन जो देखने को मिल रहा है वो रिजल्ट्स के बाद का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहला नाम मेरी लिस्ट में है ओबरॉय रियल्टी का, यहाँ पर डिसअपॉइंटिंग नतीजे रहे हैं। प्रॉफिट्स फ्रंट पर अगर आप देखेंगे तो 103 करोड़ से डिप होकर जो प्रॉफिट्स आए 64.55 करोड़ के क्लॉक इन किए हैं कंपनी ने। सेल्स फ्रंट पर भी एक डिप देखने को मिला है, 340 करोड़ से घटकर 220 करोड़ करके सेल्स यहाँ पर क्लॉक इन किए हैं। कहीं ना कहीं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की जो सेल्स हैं वहां पर डिप की वजह से ओवरऑल रेवेन्यूज पर एक असर देखने को मिला है, जिसकी वजह से आज भी अगर आप देखें करीब करीब 5 रुपए के नुकसान के साथ ये शेयर जो है कामकाज करते हुए नजर आ रहा है। अगला जो शेयर है मेरा बैंकिंग स्पेस से फेडरल बैंक का है। येट अगेन यहां पर कमजोर नतीजों का रिएक्शन देखने को मिल रहा है। मुनाफे फ्रंट पर अगर आप देखेंगे तो जोरदार गिरावट देखने को मिली, 280 करोड़ से घटकर केवल 10.26 करोड़ का यहां पर आंकड़ा आया है मुनाफे फ्रंट का। प्रोविजन फ्रंट पर अगर आप देखेंगे एक और बहुत बड़ी कंसर्न है, क्योंकि 39.78 करोड़ से बढ़कर मैनीफोल्ड इंक्रीज 390 करोड़ की प्रोविजनिंग रही है, यानी कि कहीं ना कहीं आउटलुक भी यहां पर ब्लीक नजर आते हुए नजर आता है। हालांकि डिविडेंड दिया है बैंक ने, लेकिन अभी भी कमजोरी देखने को मिल रही है। फ्लैटिश टू पॉजिटिव टोन के साथ अभी फेडरल बैंक कामकाज करते हुए नजर आ रहा है, यहां पर आउटलुक थोड़ा ब्लीक लगता है। श्योर, बट मानस क्विक रिएक्शन, जैसे साक्षी ने दो स्टॉक्स का नाम मेंशन किया, ओबेरॉय रियल्टी एंड फेडरल बैंक, बोथ द स्टॉक्स लार्जर कंसर्न्स ऑन अर्निंग्स और गोइंग फॉरवर्ड, ये दोनों ही स्टॉक्स का के ऊपर आपकी क्या अप्रोच है और आपकी क्या सलाह है? देखिए, जहाँ तक बात फेडरल बैंक की है, इसमें कोई शक नहीं कि फेडरल बैंक का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो वीक लगता है, क्योंकि जो बॉन्ड मूविंग एवरेजेस हैं उनके नीचे स्टॉक लगातार ट्रेड कर रहा है। हाई लेवल्स देखिए तो 100 दिनों का मूविंग एवरेज मेरे ख्याल से पिछले 2 मंथ में स्टॉक ब्रेक नहीं कर पाया, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक और क्रैक देखने को मिलेगा जिसमें स्टॉक 42 के लेवल्स को ब्रेक करके 38 और 37 के आसपास आने की कोशिश करेगा। तो मेरी राय में तो कोई उछाल मिल जाए और स्टॉक 47-48 के आसपास आए तो वहां पर निकलने की सलाह रहेगी, और कोई भी फ्रेश लॉन्ग अब जब तक स्टॉक 52 के ऊपर क्लोज ना हो तब तक उससे पहले ना बनाए। जहां तक बात ओवरऑल रियलिटीज की है, जिस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं ऐसा लगता है कि हर गिरावट पर स्टॉक को खरीदना चाहिए। 250 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसलिए अपना स्टॉप लॉस 250 के नीचे रखें। पोटेंशियल की बात करें तो कम से कम 315-325 ये टारगेट सेट करके चले आने वाले 1-2 मंथ के लिए। जी, तो फेडरल बैंक मानते हैं मानस कि यहाँ से दोबारा क्रैक देखा जा सकता है 42 तक के लेवल्स, क्योंकि अर्निंग्स जो है वो काफी खराब आए। स्टॉक हालांकि लोअर लेवल से रिकवर हुआ है लेकिन कॉशियस रहिए क्योंकि 42 तक के लेवल्स टेक्निकली दिखा सकता है, ऐसा मानस मानते हैं। बाकी साक्षी, बचे हुए स्टॉक्स कौन से हैं? जी दीपाली, अगला नाम जो होगा मेरी लिस्ट में होगा इंडिगो का। यहाँ पर भी नतीजों के बाद का रिएक्शन हमने देखा, 5-6% तक का डिप आज शेयर में देखने को मिला है। कहीं ना कहीं मुनाफे फ्रंट पर फ्लैटिज ग्रोथ देखने को मिली है, या फिर 580 करोड़ तक के यहाँ पर प्रॉफिट्स क्लॉक इन करते हुए नजर आया है कंपनी। साथ ही कुल आय भी 4090 करोड़ की रही है। आप ये देखिए कि जहाँ क्रूड ऑयल प्राइसेस का बेनिफिट मिलना चाहिए था उसका भी बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिला है, और हायर एक्सपेंडिचर्स कंपनी के रहे हैं और जिसकी वजह से ओवरऑल प्रॉफिट्स पर भी एक डिप देखने को मिला है। आप यहाँ पर रोकना चाहेंगे की प्रेस कॉन्फ्रेंस पोस्ट अर्निंग्स वो देख लेते हैं। इट इज आवर एसेट मैनेजमेंट बिजनेस वेयर द प्रॉफिट इज अप एट अबाउट 77% और एसेट्स मैनेजमेंट हैज गॉन मोर देन 10,000 क्रोर्स दिस ईयर एंड द नंबर ऑफ फोलियो रिटेल फोलियो एट अबाउट 5 times दिस ईयर एंड द डिसबर्समेंट सॉरी फॉर द टोटल नेट सेल्स नंबर्स आर इवन मच हायर एट अबाउट 130% प्लस। So both Aspire and asset management business has grown very big this year. The third largest business which we have grown this year would be our private wealth business, where the revenues of AUM is about 50%. The investment banking business, the revenues are about 25%. The retail business, although the market volumes were down at about 8-10% this year,
but our revenue growth is just 2%. So overall, I think all the segments or all the businesses except the brokerage business have grown, I think, fairly kind of, I think, in a big way. And if the net-to-net, I think, our traditional capital market businesses, which we call it the broking, the investment banking, the wealth management, for the first time, they are below 50% of the total revenue. तो मोतीलाल ओसवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आप सुन रहे थे पोस्ट अर्निंग्स आय 30% के आसपास इम्प्रूव हुई है और प्रॉफिटेबिलिटी में भी 10% के आसपास की इम्प्रूवमेंट दिखी है लेकिन अर्निंग्स की ही बात कर रही थी साक्षी फेडरल बैंक के बाद इंडिगो का उन्होंने जिक्र किया जहां पर नतीजे खराब रहे स्टॉक में एक रिएक्शन भी आज हम देख रहे हैं इंडिगो के अलावा बाकी दो स्टॉक्स कौन से हैं साक्षी जी दीपाली अगला नाम होगा टिनप्लेट कंपनी का यहां पर भी नतीजे डिसअपॉइंटिंग रहे हैं 7.2 करोड़ के प्रॉफिट्स क्लॉक इन किए हैं कंपनी ने ईयर ऑन ईयर फिगर डिप हुआ तो हुआ नजर आया पिछले साल इसी क्वार्टर में 12.44 करोड़ के प्रॉफिट्स क्लॉक इन किए थे ऑपरेशनल फ्रंट पर सबसे ज्यादा गिरावट हमने देखने को मिली है इनफैक्ट हाफ होते हुए नजर आए हैं ऑपरेशनल फ्रंट पर एबिट जो रहा है 12.4 करोड़ की रही है तो कहीं ना कहीं इसी का इंपैक्ट आप देख पा रहे हैं और 11% तक का डिप हमने आज इस शेयर पर देखा है आखिरी शेयर जो मेरा होगा एलगी इक्विपमेंट्स का होगा यहां पर कंपनी की जो सब्सिडियरी है फ्रांस में उसके क्रॉस स्ट्रक्चर को लेकर काफी चैलेंजिंग रहा है वो कंपनी के लिए मल्टीपल अटेम्प्ट्स भी कंपनी ने मनाए हैं कोई ना कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए लेकिन डिस्पाइट दैट अब कंपनी ने फ्रांस में कंज्यूमर कोर्ट में एक प्रोटेक्शन के लिए याचिका दी है कर्ज भुगतान नहीं कर पाने के लिए ये प्रोटेक्शन जारी किया है तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंसर्न्स की वजह से आप इसकी जो पेरेंट कंपनी है एलगी इक्विपमेंट्स वहां पर भी एक डिप देख रहे हैं जी एलगी इक्विपमेंट्स की बात की साक्षी ने इसके अलावा इंडिगो ओबरा रियलिटी फेडरल बैंक ये कुछ स्टॉक्स जहां पर आज एक नेगेटिव न्यूज फ्लो का रिएक्शन है गौरव प्रिसाइसली अर्निंग्स के लिहाज से कमजोर अर्निंग रहे हैं टिनप्लेट के इंडिगो के वीक अर्निंग रहे हैं और फेडरल बैंक के वीक अर्निंग रहे हैं टिनप्लेट पर तो इनफैक्ट एक स्टीप डाउनसाइड रिएक्शन आज के सत्र में देखा भी जा रहा है प्रिसाइसली जो पांच स्टॉक्स अभी साक्षी ने मेंशन किए कोई एक स्टॉक जो कि आप स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहेंगे या फिर दूर रहने की सलाह देंगे कि हमारे सबसे टेम्पलेट जिस तरह से रिजल्ट्स हैं उनके इनके दिखाई गए हैं रेवेन्यू के अंदर भी हमने डीग्रो देखी है प्रॉफिट्स भी इनके काफी कम हुए हैं उसके अंदर से क्लियर कट अवॉइड है टेम्पलेट अगर आप एक स्टॉक पूछना चाहें बाकी हमारे हिसाब से इंडिगो एस सच अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए अगर अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखा तो एस सच इतनी घबराहट वाली बात नहीं है इंडिगो के पॉइंट ऑफ व्यू से श्योर यहां से चलते संदीप के पास में और जान लेते हैं कि कौन सा स्टॉक इज ऑन द ब्रोकरेज रडार संदीप शुक्रिया मनोज इनफैक्ट आज का स्टॉक बताने से पहले फेडरल बैंक की बात करना चाहूंगा बीते हमने हफ्ते हमने आपको बताया था ब्रोकरी रिपोर्ट के आधार पे कि नंबर्स खराब रह सकते हैं और हमने देखा भी उसका इंपैक्ट देखने को मिला जिस तरह से प्रोविजनिंग बड़ी है बैंक के मुनाफे में प्रेशर साफ तौर पर आते हुए देखा 44 के टारगेट्स सुझाए गए थे ब्रोकिंग फर्म्स की ओर से पर आज का जो लो था 43.75 का यानी कि जो टारगेट्स हैं वो मीट हुए हैं आज के लिए शेयर चुना गया है वो है ओबीसी यानी कि मिडकैप सरकारी बैंक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यहाँ पे इलारा कैपिटल ने अपनी जो बाय रेटिंग थी उसे घटाकर अब रिड्यूस की रेटिंग दी है टारगेट प्राइस वो दे रहे हैं 82 रुपीज़ का यानी कि मौजूदा भाव से करीब करीब 8% के आसपास ही गिरावट देखने को मिल सकती है और जो Q4 के नंबर्स हैं वो काफी खराब देखने को मिल सकते हैं Q3 में अगर आपको याद हो तो बैंक में जिस तरह से एसेट क्वालिटी के ऊपर प्रेशर आया था प्रोविजनिंग बड़ी थी ये बैंक मुनाफे से घाटे में आया था ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और Q3 में करीब 425 करोड़ रुपए के आसपास घाटा हुआ था आरबीआई के जो नए नियम थे उसकी वजह से जो एनपीए थे उसमें एक तेज बढ़त देखने को मिली थी ग्रॉस एनपीए अगर आप देखें 5.7% से 7.5% हुए थे और जो नेट एनपीए थे 3.55% से 4.9% पर देखने को मिले थे प्रोविजनिंग अगर आप देखें तो करीब 2 गुना से ज्यादा की बढ़त वहां देखने को मिली थी इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर प्रेशर देखने को मिला था और एलआरआर कैपिटल ऐसा मानता है कि जिस तरह से बेस रेट में कमी हुई है उससे जो मार्जिन है उसके ऊपर दबाव इस क्वार्टर में भी देखने को मिल सकता है और जिस तरह से ग्रोथ रेट काफी धीमी है और साथ ही साथ ऊंची क्रेडिट कॉस्ट है उसका इंपैक्ट इस बार भी इनके जो मुनाफे के ऊपर देखने को मिल सकता है जिसकी वजह से जो घाटा पिछली बार पोस्ट हुआ था शायद उसके ऊपर के जो घाटे के नंबर है वो बैंक की ओर से पोस्ट हो सकते हैं तो उस लिहाज से उन्होंने जो अपनी बाय रेटिंग थी उसे रिड्यूस किया है 82 तक के वो टारगेट सुझा रहे हैं मौजूदा भाव से भी करीब 8% के आसपास ही गिरावट आ सकती है श्योर ओबीसी जैसे संदीप ने बताया यहाँ से लेके मानस 80 ऑट लेवल्स का करंट मार्केट प्राइस है लार्जली 40 रुपीस का जो एक टारगेट दिया हुआ इलारा कैपिटल ने लार्जली आप उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं टेक्निकल पर्सपेक्टिव में कितना बेटर पोजीशन में ये ओबीसी स्टॉक है देखिए पीएसयू बैंकिंग के जो मिड कैप स्टॉक्स हैं उनके अगर आप चार्ज देखेंगे तो कुछ डेफिनेटली बैंक्स अभी भी खराब लगते हैं चार्ज पे और उनमें से ही एक ओबीसी है ओबीसी देखिए तो कोशिश जरूर कर रहा है 80 रुपये के आसपास बेस बनाने की लेकिन हाई लेवल पे 50 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है और मैं समझता हूँ जब तक 100 रुपये के ऊपर स्टॉक क्लोज ना हो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए अगर किसी के पास है तो मैं एडवाइस करूँगा स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 85 रुपीज़ का लगाएं
क्योंकि अगर 85 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 80 रुपए के लेवल्स भी ब्रेक होंगे और स्टॉक कोशिश करेगा 72 और 74 की रेंज में जाने के लिए. इसलिए कॉशियस रहना चाहिए और कभी भी कोई उछाल मिले 94-95 तक तो निकले और कोई भी फ्रेश लॉन्ग 100 रुपए से पहले ना बनाए. तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यहाँ पर ब्रोकर हाउसेस का मानना है कि नतीजे कमजोर रह सकते हैं, दूर रहें या फिर बिकवाली करके चलो. और महाराज जी मानते हैं कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी आप अपनाएं. ओपीसी में 85 का क्रूशियल लेवल, अगर ये ब्रीच होता है तो जो सेल ऑफ है वो और स्ट्रेच हो सकता है. लेकिन अब बात करते हैं पेनी स्टॉक की. हर रोज हम आपको एक ऐसा शेयर बताते हैं जहां एक तेज प्राइस एक्शन देखा गया है बिना फंडामेंटल्स के. लो वैल्यू ये स्टॉक्स होते हैं, ज्यादा व्यूअर्स इन स्टॉक्स की ओर अट्रैक्ट होते हैं इनका छोटा प्राइस देकर. लेकिन ये क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी कम होती है, ऐसी स्थिति में अगर आप इन शेयर में एंट्री कर भी लेंगे तो आपके लिए निकलना बहुत मुश्किल होगा. इसी पर्सपेक्टिव से हर रोज एक शेयर हम आपको बताते हैं ताकि अगर आपने वो स्टॉक अपनी बाइंग लिस्ट में शामिल किया हुआ है तो आप आगाह हो जाए, निवेश ना करें. आज का स्टॉक आपको बता देते हैं, ग्लाडा फाइनेंस आज का पेनी स्टॉक है. कंपनी एनबीएफसी कारोबार में शामिल है और अगर आप बीते एक साल का इसका प्राइस एक्शन देखेंगे तो ये स्टॉक बिना किसी साउंड फंडामेंटल्स के भी 111% चला है. साल की शुरुआत में जो इसका प्राइस होता था वो 8 रुपए के आसपास होता था और अब ये स्टॉक 19 रुपए के स्तर पर आ चुका है. आप देखिए कितनी तेजी से ये स्टॉक चला है, 111% का उछाल शेयर में देखा गया है बिना किसी फंडामेंटल्स के. वहीं कंपनी का अगर आप ईयरली रेवेन्यूज देखेंगे या फिर जो फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे तो बहुत ज्यादा साउंड नहीं है. जो मुनाफा है वो महज 0.38 करोड़ का है. पिछले एक साल के अगर इसके ऑपरेटिंग मार्जिन आप स्टडी करेंगे तो कंसिस्टेंटली गिरे हैं और कंपनी के जो ऑपरेटिंग मार्जिन हैं वहां पर बीते एक साल में 20% की कमी आई है. प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है 40% के आसपास की, लेकिन इस 40% हिस्से में से जो आधा हिस्सा है यानी जो 50% प्रमोटर टोटल होल्डिंग है, 50% स्टेक जो प्लेज्ड है. साथ ही जो कंपनी के टोटल नेटवर्थ है वो 5 करोड़ की और जो टोटल कर्ज है कंपनी पर वो 3 करोड़ के आसपास का है. तो आप खुद देखिए फंडामेंटल्स कंपनी के साउंड न्यूज के बावजूद भी स्टॉक में बहुत तेजी से रन अप आया है, 111% चला है. और इसी तरह का प्राइस एक्शन देखकर बहुत सारे निवेशक ऐसे शेयरों में फंस जाते हैं. इसीलिए आपको बताना जरूरी है कि अगर आपने खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो दूर हो जाइए और अगर खरीदा हुआ है मुनाफे में है तो धीरे धीरे इस स्टॉक से बाहर निकलने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दीजिए क्योंकि लिक्विडिटी कम होने की वजह से यहां पर बाहर निकलना भी बहुत मुश्किल होता है, बशर्ते आप प्रॉफिट्स पर क्यों ना हो. गौरव, ग्लाडा फाइनेंस शायद आप ट्रैक ना करते हो लेकिन इस तरह के बहुत सारे ऐसे छोटे स्टॉक्स हैं जहां पर एक तेज रनअप हमने बीते एक साल में देखा है. एग्जैक्टली क्या सलाह आप उनको देना चाहेंगे, एक जेनरिक व्यू आपका क्या होगा उन इन्वेस्टर्स को जो इस तरह इन छोटे स्टॉक्स में अपनी पोजिशन बनाए बैठे हैं? देखिए ये बेसिकली कोई भी अगर पेनी स्टॉक का चलने का रीजन रहता है वो र्यूमर्स रहता है, कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर इनके प्राइस के अंदर ग्रोथ रहती है विदाउट एनी फंडामेंटल्स. ज़्यादातर लोग इसी चीज़ के अंदर ट्रैप होते हैं, ऊंचे लेवल्स के ऊपर वो खरीद लेते हैं और फिर बाद में इसके अंदर एग्जिट नहीं हो पाता. 5-6 करोड़ का मार्केट कैप है स्टॉक का तो एज सच लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं है. इन तरह के स्टॉक्स के अंदर लिक्विडिटी बिल्कुल गायब हो सकती है, कंटिन्यूसली लोअर सर्किट्स लग सकते हैं. क्लियर कट अवॉइड है ये पेनी स्टॉक्स. तो क्लियर कट अवॉइड है इस तरह के पेनी शेयर्स. ग्लाडा फाइनेंस आज भी आप देखिए एक सॉफ्ट मार्केट में भी 4.5% की बढ़त दिखा रहा है. तो कॉशियस हो जाइए अगर आपके पास ये शेयर है या फिर आप खरीदने के बारे में सोच रहे हैं.